We will talk about advantage or benefit of breastfeeding. Important topic for university exam. MCQ point of view से उतना ज़्यादा important नहीं है, तो चलिए start करते हैं. Talking about introduction, तो यहाँ पे एक data important हो जाता है, that is ensuring exclusive breastfeeding for 6 months has a potential to reduce under 5 mortality rate by 13%. By far the most effective intervention that is known to reduce newborn and child death. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं. और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट वाइटामिन ड्रॉप इफ़ इंडिकेटेड. कब हम लोग को इनिशिएट करना है ब्रेस्ट फीडिंग? विद इन एन आवर ऑफ बर्थ. और मिनिमम कब तक कंटिन्यू करना है? कंटिन्यूड थ्रू फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर बर्थ. हमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बेनिफिट्स क्या क्या है ब्रेस्ट मिल्क का. तो टोटल मैं यहाँ पे 10 पॉइंट को डिस्कस करूँगा, जिसमें से 6 पॉइंट ऑलरेडी आपको आता है. बस यहाँ पे मैं बताऊँगा क्या उसको कैसे ओरिएंट करना है. तो हमें पता है क्या, हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या एसेंशियली प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट. तो ये सारा मिलके हमारे यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट बना देगा. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या हमें याद रखना है, क्या इसमें जो लैक्टोज का कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, दैट इज़ बिटवीन 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर. और इसमें जो ग्लैक्टोज होता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लैक्टो सेरिब्रोसाइट्स. लैक्टोज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड इनहेंस द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई, द गुड बैक्टीरिया इन द इंटेस्टिन. तो इनसे में से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज़ लैक्टोज का कंसंट्रेशन बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है, दैट इज़ बिटवीन 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर. टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और ये वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है. द प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ लो, दैट इज़ 0.9 to 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर कंपेयर टू द एनिमल मिल्क. और इसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज़ लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन 60%, और ये इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है, दैट इज़ टॉरिन एंड सिस्टीन. ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो मॉड्यूलेशन. टॉकिंग अबाउट फैट, तो फैट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मेंशन करना है. एक तो पूफा दैट इज़ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड. ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है? नेसेसरी फॉर द माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. टॉकिंग अबाउट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, द क्वान्टिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इज सफिशियंट टू द नीड्स ऑफ द बेबी इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ. टॉकिंग अबाउट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेस्ट मिल्क हैज़ अ वाटर कंटेंट ऑफ 88% एंड हैंस ए ब्रेस्ट फीड बेबी डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल वाटर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ इवन ड्यूरिंग समर मंथ. तो इस तरह से हम लोगों ने 5 पॉइंट को डिस्कस कर लिया, और बहुत ईजी भी था. जो भी हमारे खाने का कंटेंट होता है इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसको मैंने बस बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐड क्या करना है, न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी. और इसमें बस यही मेंशन करना है, क्या ब्रेस्ट मिल्क के पास हर एक कंटेंट होता है जो नेसेसरी है फॉर नॉर्मल ग्रोथ इन ऑप्टिमम प्रोपोर्शन. टॉकिंग अबाउट 6th पॉइंट, इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियरिटी. और ये पॉइंट भी आपको पहले से आता था, क्योंकि हमें इतना तो आइडिया है ही, क्या जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है बच्चे का. तो कैसे बूस्ट करता है? तो इसके पास बहुत सारा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जिसमें मेनली सेक्रेटरी IgA होता है, और मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम्स, बायफिडस फैक्टर एंड इंटरफेरॉन रहता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा है, कभी MCQ में पूछा जा सकता है, ब्रेस्ट फीड बेबी इज़ 14 टाइम लेस लाइकली टू डाई ऑफ डायरिया एंड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लेस लाइकली टू डाई ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. दोनों में 4 है ना, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट लास्ट 3 पॉइंट, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर इलनेस. तो कौन कौन सी इलनेस से बचा के रखता है? एलर्जी, ईयर इन्फेक्शन एंड ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स. और साथ में जो रिस्क है डायबिटीज़ का, हार्ट डिजीज़ का, लिम्फोमा का, उसको भी डिक्रीज करता है इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ. टॉकिंग अबाउट मेंटल ग्रोथ, तो जो IQ है वो ज़्यादा होता है किसमें? ब्रेस्ट फेड बेबी में, एज़ कम्पेयर टू अदर बेबी जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियल फैट प्रोवाइड कराते हैं. टॉकिंग अबाउट बेनिफिट टू मदर, तो यहाँ पे हमको 5 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना रहता है. फर्स्ट पॉइंट, यूट्राइन इन्वॉल्यूशन मदद करता है. सेकंड पॉइंट, रिड्यूस करता है चांस ऑफ PPH. थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इन द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मेंशन करना ही करना है. ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है तो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन ये प्रोवाइड नहीं करा पाएगा. टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 4, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरी. टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इफेक्टिव वे
ऑफ सीटिंग एक्स्ट्रा वेट दैट मदर हैज़ गेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दिस इज ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, लेकिन एमसीक्यू के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. थैंक यू.